प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ये बात है ना, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। हेलो नमस्ते व्हाट्सअप केम छो, मैं हूँ जय एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी कस्टम्स। आज के वीडियो में हम दो प्रिकॉशन की बात करेंगे। फर्स्ट कि मैं जब भी बाइक चलाता हूँ ना तो हेलमेट का यूज़ करता हूँ, और सेकेंड 10 डेज डेली व्लॉगिंग चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा था कि अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई या फिर बारिश गिर गई तो मैं ना रोज़ वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए पहले 4 वीडियो अपलोड करूँगा, प्राइवेट रखूँगा और फिर रोज़ कंटिन्यू करूँगा, मतलब एक एक दिन एक एक व्लॉग शो करूँगा। और थर्ड डे ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक काम करो, आप है ना पास्ट में जाओ, उस दिन भी मैंने यही टी शर्ट पहना था। ये देखो खून निकल रहा है और अभी मैंने हेलमेट नहीं पहना था तो शायद अभी मैं हॉस्पिटल में होता। और आज भी मेरा थर्ड डे था डेली ब्लॉगिंग चैलेंज का, तो पता नहीं शायद मैं आगे कंटिन्यू ना भी कर पाऊँ। और अभी मेरा भाई आ रहा है मुझे यहाँ पे पिक करने, क्योंकि मेरी हालत तो नहीं है कि मैं बाइक चला सकूँ। उस दिन हुआ ये था कि मैं अपने कज़िन को मिलने SGI जा रहा था और दर्पण क्रॉस छोड़ के वहाँ पे मेरे पैरेलल में लेफ्ट साइड में एक रिक्शा चल रही थी, और वो रिक्शा के नीचे से या साइड में से पता नहीं कैसे एक बिल्ली आ गई और बिल्ली ने मेरे फ्रंट टायर को टच कर लिया, मतलब ठुक गई वो, और बिल्ली मेरे टायर के नीचे आ गई और मेरा वॉबल होने लगा बाइक। और फिर मैं पहले राइट साइड क्रैश हुआ, थोड़ा स्लाइड हुआ, फिर मेरी बाइक अटक गई और मैं गोल गुलाटी खा के लेफ्ट साइड गया। अब और मेरे ये यहाँ पे दोनों साइड बहुत कुछ इंजरी हुई। और जब मैं ऐसे गिरा ना और रोल होके मैं जब वापस सो गया था तो मैंने एक बार अपनी आँखें ब्लिंक करके खोली ऐसे, और जैसे मैंने आँखें खोली ना उतनी देर में 15-20 लोग मेरे आसपास में जमा हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे खड़ा किया, पानी वानी पिलाया और मुझे बोला कि घर पे छोड़ने आ जाओ, तुमने वाकई तो न दी, लोही तो नहीं कर दूँ, चलाइए। मैंने बोला नहीं मैं ठीक हूँ, अभी मेरा भाई आएगा और वो मुझे घर पे छोड़ देगा। तो ये है मेरा हेलमेट स्टीलबर्ड SBA 1। कुछ कुछ लोग हैं ना इसको बोलते हैं लो बिल्ड क्वालिटी वाला बकवास और चीप हेलमेट, मगर भाई साहब मैंने ना पर्सनल एक्सपीरियंस कर लिया है, ये स्टीलबर्ड ने मेरी जान बचाई उस दिन। अगर मैंने हेलमेट पहना नहीं होता ना तो लग जाती मेरी। पता नहीं आपको अभी कैमरा में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, मगर देखो यहाँ पे स्क्रैचेस आ गए थोड़े बहुत, और यहाँ पे भी है, मतलब जो भी इम्पैक्ट था ना पूरा का पूरा ये हेलमेट ने एब्जॉर्ब कर लिया और मुझे कुछ होने नहीं दिया था। हाँ वाइज़र ओपन था ना उस टाइम पे, इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे लगा था, मगर चलता है उतना। तो अभी बाइक की हालत कुछ ऐसी हो गई है, पिछले 15 दिन से स्टार्ट नहीं करी, पर एक्सीडेंट हुआ था तब से ऐसी की ऐसी पड़ी है। देखो क्या क्या हुआ है बताए, एक तो मेरा जो हैंडल बार है वो मुड़ गया है, एक तो मेरा हैंडल बार जो है वो यहाँ से मुड़ गया है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। फिर ये जो शॉक एब्जॉर्बर है उसमें प्रॉब्लम आ गई है, पहले स्ट्रेट होता था अभी मुड़ गया है यहाँ से। और बस जो माइनर स्क्रैचेस हैं यहाँ पे और यहाँ पे शायद कैमरा में भी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पीछे से धूप बहुत है। तो और ये मिरर टूट गया है तो मैंने न्यू मिरर ऑर्डर किया अभी। चलो अभी हम बाइक सर्विस में देने आते हैं। तो बाइक चलाते टाइम पे गाय कुत्ता और बिल्ली ये तीनों से संभाल के रहो, और अपनी लाइफ में सांप से। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और है ना अभी यार 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले तो सब्सक्राइब भी कर ही दो।